नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे एनजीओ के बारे में जिसका नाम पीटा है और वो लोगों को यह समझा रहा है कि गाय का नहीं बल्कि पेड़ पौधों का दूध पीजिए। तो ये जानते हैं पीटा एनजीओ है क्या। यह एक एनजीओ है जो कि एनिमल्स वेलफेयर के लिए काम करता है, पर इनको काम किया तभी आती है जब कोई हिंदू फेस्टिवल चल रहा होता है और तब पीटा सबसे पहले अपनी बेइज्जती कराने आ गया जाता है। पीटा इतनी महान संस्था है कि इसको गाय के कटने से ज्यादा बल्कि लोग गाय का दूध पीते हैं इस बात की ज्यादा चिंता है। कुछ समय पहले रक्षाबंधन पर पीटा ने एक कैंपेन चलाया था कि गाय हमारी बहन है और इस रक्षाबंधन पर हमें चमड़े का त्याग करना चाहिए। पर शायद पीटा को यह पता नहीं कि गाय हमारी बहन नहीं, हमारी माता है और रक्षाबंधन पर हम किसी भी प्रकार के चमड़े का प्रयोग नहीं करते हैं। और पीटा ऐसे ही कई सारे हिंदू फोबिक कैंपेन चलाता है और इन कैंपेन्स को चलाने के लिए कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। जैसे कुछ समय पहले पीटा ने शिल्पा शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, पर अगले ही दिन शिल्पा शेट्टी अपने YouTube चैनल पर टर्की खाने की रेसिपी बता रही थी। फिर पीटा ने सोनम कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर कुछ दिन बाद सोनम कपूर पाइथन से बने बैग जो कि प्राडा कंपनी का है उसे लेकर फोटोशूट करा रही थी। शायद उन्हें यह पता नहीं है कि यह भी एक जीव है। उसके बाद पीटा ने ऋचा चड्ढा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया जो कि कुछ समय बाद यह ज्ञान दे रही थी कि बीफ खाना चाहिए। शायद पीटा और ऋचा चड्ढा को यह नहीं पता कि बीफ भी एक जानवर है। बार बार बेइज्जती होने के बाद पीटा इंडिया फिर से अपनी बेइज्जती कराने आ गया है और उसने रिसेंटली भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी को पत्र लिखकर यह कहा कि आपको गाय के दूध का उत्पादन रोककर पेड़ पौधों के दूध का उत्पादन शुरू करना चाहिए। इसके रिप्लाई में RS सोडी ने कुछ ऐसा कहा जो कि ना ही कोई सरकार बोल सकती है और ना ही कोई नेता बोल सकता है। RS सोडी ने कहा, अमूल 10 करोड़ किसानों को रोजगार देता है, तो फिर इन किसानों को रोजगार कौन देगा या फिर तुम इन किसानों को रोजगार दोगे? आज बड़े बड़े देश पेड़ पौधों के दूध यानी वेगन मिल्क का उपयोग करने लगे हैं, पर क्या भारत में लोग पेड़ पौधों का दूध पियेंगे? और अगर पियेंगे भी तो क्या उनको दूध का पूरा न्यूट्रिशन मिल पाएगा जो कि गाय के दूध से मिलता है? और मेन बात तो यह है कि भारत के आम लोग इस दूध को अफोर्ड कर पाएंगे? जो कि सबसे सस्ता सोयाबीन का दूध भी ले तो वह भी 400 रुपए लीटर है। और इसी बात पर RS सोडी ने कहा, बड़ी बड़ी कंपनियां जेनेटिकली लैब में केमिकल डालकर दूध बनाती है और उनसे मुनाफा कमाती है। विदेशों से पैसा लेकर पीटा जैसी एनजीओस भारत के डेयरी बिजनेस को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र चला रही है। और मजे की बात तो यह है कि 34% अमेरिका भी सोयाबीन मिल्क का उत्पादक है। क्या आप जानते हैं पीटा जैसे एनजीओस की फंडिंग कौन करता है? वैसे तो पीटा के बहुत सारे फंडिंग के सोर्सेस हैं, पर पीटा इंडिया के फंडिंग के दो मुख्य सोर्स हैं। पहला ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, दूसरा टाइड सेंटर एंड फाउंडेशन। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन दोनों ही फाउंडेशन को फंडिंग जॉर्ज सोरस से मिलती है। और क्या आप जानते हैं जॉर्ज सोरस कौन है? जॉर्ज सोरस भारत के अंदर मिशनरीज, आतंकवादी गतिविधियां, दंगे फसाद कराने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग करता है। ऐसे आदमी का पैसा किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पीटा इंडिया को दिया जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि पीटा इंडिया कैसी कंपनी है जो सिर्फ भारत को तोड़ना चाहती है। तो एक बार फिर अमूल ने पीटा इंडिया को उसकी हैसियत बता दी। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को ज्यादा से लोगों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।